हेलो स्टूडेंट्स, असी कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स त्रैभुज एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन साडा है 9th। सो क्वेश्चन 9th विच की साडे को स्टेटमेंट दिती गई है जिस विच कहा गया है कि 10 मीटर लंबी एक पौड़ी एक कंध नाल लगाउण ते जमीन नालों 8 मीटर की ऊंचाई से स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है। कंध के आधार तो पौड़ी के हेठले सिरे की दूरी पता करो। सो साडे को एक वॉल दिती गई है। सो इस तरह साडे को एक कंध है, ये साडे को की है कंध जा साडे को है वॉल। सो इस कंध दे नाल एक जड़ी पौड़ी है लीडर है वो लगाई जाती है। सो इसका नाम रख लो कंध साडे को ए बी। सो साडे को गिवन दे विच की आ जाएगा कि जो ए बी है साडे को की है कंध जा वॉल। सो इस दे नाल एक पौड़ी लगाई जाती है। सो पौड़ी जड़ी इस दे लैफ्ट या राइट किसी भी साइड तो असीं लगा लैंदे आ। मान लो कि असीं इस साइड ते एक पौड़ी जड़ी वो लगाते हैं। सो वो जी पौड़ी का पॉइंट है जिथे पौड़ी जमीन पर टिकाई गई। सो साडे को ए है जमीन। सो साडे को पार्ट कि हो गया है लैंड का पार्ट हो गया। ठीक है बी सी इसका नाम रख लो सी पॉइंट का नाम। सो बी सी साडी हो गई कंध तो पौड़ी तक दूरी। सो ये जो पौड़ी कंध नाल लगाई जाती है तो कंध के विच एक खिड़की है तो यह पौड़ी खिड़की तक पहुँचती है। सो मान लो कि वह खिड़की साडे को इस पॉइंट पर है तो उपर साडे को कंध हो रहा है। ये है साडे को ए ते खिड़की। सो असी सी पॉइंट नूं ए दे नाल मिला दिंदे हां। ठीक है तो साडे कोल ए जो बनता है ये साडे कोल एक पौड़ी जिहड़ी वह बनती है। सो ए सी की है साडे को पौड़ी की लंबाई। तो सानू क्या की गया है पता करन। सो 10 मीटर लंबी एक पौड़ी दी गई है। सो इसकी जी लेंथ है साढ़े को कितनी है 10 मीटर। सो ये है साढ़े को 10 मीटर। सो नाल साढ़े को 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की स्थित है। सो ये जी साढ़े को लेंथ है जमीन के पॉइंट तो खिड़की तक साढ़े को है 8 मीटर। सो ये है साढ़े को ए बी कंध जां असीं लिख सकते हाँ जमीन तो खिड़की तक ऊंचाई। सो जो साढ़े को है 8 मीटर। सो हुण देखो साढ़े को जे गल करी तां एक इहो जिहा पार्ट जिहड़ा वो बन जाता है। सो ये है साढ़े को 8 मीटर, ये है साढ़े को 10 मीटर। सो ये पॉइंट ए बी अते सी। तो सानू कहा गया है कि कंध और पौड़ी के विचकार की दूरी जी पता करो। सो ये असी जी कि पता करनी है। हम ध्यान दो कि जो भी कोई चीज़ जमीन पर परपेंडिकुलर हो सीधे टिका दी जाए इस तरह बिल्कुल देखो इस तरह तो यह साढ़े को जमीन पर 90 डिग्री का कोण जो बना देगी। सो इस मीनस के साढ़े को यह जो कोण है कि बन रहा है 90 डिग्री। सो हम 90 डिग्री लगाते हैं तो सूँ पाइथागोरस थ्योरम याद आती है। ठीक है सो इस दे ओपोजिट साइड कि होगी साडे को एच हो गई तो दो साइड साडे को एक बी हो गई दूसरी हो गई पी। सो असी लिखते हैं पाइथागोरस थ्यूरम तो साडे को आया एच का स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर। सो पता देखो की करना है साडे को बी सी बी पता करना है असी आधार मतलब कि असी आधार जिहड़ा वो पता करना है। सो जां इसनू असी लिख सकते हैं करण का स्केयर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। सो वैल्यूज पुट करते हैं एच साडे को किन्ना है ए सी का वर्ग बराबर आधार किन्ना है साडे को बी सी का वर्ग प्लस लंब किन्ना है साडे को ए बी का वर्ग। सो पता करना है बी सी साडे को बन जाएगा ए सी स्केयर माइनस ए बी स्केयर बराबर आ जाएगा साडे को बी सी का स्केयर। हुण असी वैल्यूज पुट करते हैं। सो ए सी जी है साडे कोल कितनी दित्ती गई है 10 मीटर, ये साडे कोल आ गया 10 मीटर 10 स्केयर माइनस ये है साडे कोल 8 मीटर इहदा स्केयर आ गया बराबर है गया साडे कोल बी सी स्केयर। सो साडे कोल आंदा 10 दा वर्ग करदे आ साडे कोल गया 10 नूं 10 नाल गुणा करदे साडे कोल आ जाएगा 100 नाल आ जाएगा मीटर तो वह भी साडे कोल स्केयर हो गया माइनस 8 8 64 मीटर स्केयर। सो देख ठीक है ना 10 10 100 8 8 64 सो इज इक्वल टू बी सी स्केयर।
सो दोवें नूं माइनस किया साडे को आ गया 36 मीटर स्केयर, इधर रह गया साडे को बी सी का स्केयर। सो हुण साडे को आ गया 36 मीटर स्केयर, यह रह गया बी सी। हुण बी सी असीं कल्ला लिखांगे, जिहड़ा बी सी का वर्ग है साडे को इस साइड ते क्यों साडे को उसका वर्गमूल जां स्केयर रूट बन जाता है। सो जो स्केयर रूट बन गया तो साडे को आ गया रूट 36 मीटर का स्केयर जिहड़ा सी वर्गमूल नाल कैंसल हो गया। सो यह गल याद रखनी है, जो भी वर्गमूल दे विच वर्ग दिता होवे तां उह साडे को कैंसल हो जाता है। सो साडे को आ गया 36 मीटर बराबर बी सी, तो बी सी आ गया साडे को। हुण उह संख्या लभो जिसनूं उस ही संख्या नाल गुणा करन ते साडे को 36 प्राप्त होवे। मतलब संख्या नूं संख्या नाल दो बारी गुणा कीती असीं, 6 6 36, तो साडे को आ गया 36 बनता। सो बी सी बराबर आ गया साडे को, इहदा वर्गमूल आ गया 6, मतलब कि आ गया 6 मीटर। सो इहदा मतलब कि साडे को की आ जाता है कि कंध अते पौड़ी विचकार दूरी किन्नी है साडे को 6 मीटर। सो यह साडा क्वेश्चन। सो सब तो पहले इस क्वेश्चन दे विच एक गल का ध्यान रखना है कि जो भी स्टेटमेंट दिती है तो थानू उसकी एक फिगर जिहड़ी है बनानी आनी चाहिए है। सो जिहड़ी फिगर होवे पूरी करैक्ट बने, फिर ही जिहड़ा क्वेश्चन का आंसर जिहड़ा साडा वो सही होवेगा। जेकर तुसीं इत्थे मिसटेक कर जाओगे, ठीक है, तुसीं कोई ना कोई लैंथ लैन दे विच गड़बड़ कर गए जां कोई भी तुसीं राइट एंगल का ध्यान ना रखिया, तो तुसीं जिहड़ा क्वेश्चन है साडा वो सॉल्व नहीं होएगा। सो असीं एक अपनी फिगर जिहड़ी वो बनाई, उस तों बाद असीं उहनां दे नाम रखे ने वर्टेक्स दे ए बी सी। सो जो भी साडे को ए बी सी बी सी ए सी जो भी साडे को बनिया उसनों असीं उहनां दे नाम जिहड़े लिखे हन। फिर असीं यूज़ कीती है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि साडे को राइट एंगल आ गया, क्लीयर, राइट एंगल आ गया तो ध्यान रखो तुसीं पाइथागोरस थ्योरम जिहड़ी यूज़ कर लैनी है। सो साडे को पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो उस दीआं वैल्यूज़ पुट कीतियां तो जिहड़ा आंसर है असीं वह प्राप्त कर लिया है। सो उम्मीद करदा कि क्वेश्चन जिहड़ा तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। सो वध तों वध बच्चों तक शेयर करना है, असीं क्यों शेयर करना है तां जो असीं बाकी बच्चों की हैल्प भी जिहड़ी कि असीं कर सकीए। सो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो तां जो तुहानूं नवीं वीडियोज़ के लिए सर्च ना करना पवे, तुहानूं नोटिफिकेशन जिहड़ी साडे फोन ते मिल जाए। सो थैंक यू, मिलते हैं नैक्सट क्लास दे विच नैक्सट क्वेश्चन दे नाल।